दोस्तों नेक्स्ट है कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे। सबसे पहले क्या होता है, सेल्स होती है हमारी गिवन सेल्स, देन सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। जी हाँ, तो ये क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट है। आगे हम पढ़ेंगे हर चीज़ के बारे में कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। बिना कंट्रीब्यूशन के हमारे आगे कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल होगा।